हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी ऑन गो। सो आज का जो चैप्टर है वो स्पेशली कुछ बच्चों की डिमांड पे है, तो आज हम कृतिका का चैप्टर थर्ड करने वाले हैं जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए होते हैं तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ बच्चों ने इस पर्टिकुलर चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की डिमांड की थी, सो हेयर आई एम विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। सो द वीडियो इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि लाइक एमसीक्यूज टाइप हैं, एंड देन शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिसमें कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है आपके क्वेश्चंस का। बट वीडियो लास्ट तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लास्ट में एक लेंथी क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 5 to 6 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। सो आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़, रीढ़ की हड्डी पाठ के लेखक कौन हैं? सो द आंसर इज़ जगदीश चंद्र माथुर इस पाठ के लेखक हैं। दूसरा क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी किस समस्या पर आधारित है? तो उत्तर है सामाजिक समस्या। इस चैप्टर में किसी की पारिवारिक समस्या नहीं बताई गई कि सिर्फ उमा के परिवार में ही ऐसा नहीं हो रहा था कि उसके पिताजी उसकी बढ़ाई छुपा रहे थे, क्योंकि उस टाइम का समाज जो है किसी भी स्त्री की गरिमापूर्ण स्थिति को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। तो सिर्फ ये उनके परिवार की बात नहीं थी, यह सिचुएशन उस समय हर घर में थी। लड़कियां उस समय कम पढ़ी लिखी होती थी क्योंकि उन्हें पढ़ना लिखना अलाउड नहीं था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि उन्हें घर में ही रहना चाहिए, घर के काम सीखने चाहिए, रैदर की पढ़ाई करनी चाहिए। तो यह उस समय के समाज की ही समस्या थी। तो इसका उत्तर है कि ये जो पाठ है ये एक सामाजिक समस्या पर आधारित है, ना कि किसी एक परिवार की समस्या पर। थर्ड क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी गद्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? विधा का मतलब है कि किस कैटेगरी के अंदर आप इस चैप्टर को डालोगे। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, एकांकी मतलब एक अंक का नाटक, कि एक नाटक के तौर पर आपको एक चैप्टर दिया गया है जिसमें अलग अलग करेक्टर्स हैं जो हर कोई अपनी बात जो है वो प्रस्तुत करता है, और उसी के बेसिस पे आप एक निष्कर्ष पे या क्या उद्देश्य मिला उस चैप्टर से वहाँ तक पहुँचते हैं। तो एकांकी का मतलब होता है एक अंक का नाटक। दूसरा ऑप्शन आपके पास निबंध है, क्या ये कोई प्रस्ताव है कोई गाय के ऊपर, कोई गरीबी की समस्या के ऊपर, कोई पोल्यूशन के ऊपर? ऐसा कोई निबंध नहीं है ये, या दहेज प्रथा के ऊपर। तो तीसरा है कहानी, ये कहानी भी नहीं है कि ऐसे स्टार्ट हुई कि एक समय की बात है ऐसा हुआ करता था ऐसा हुआ करता था, नहीं। और चौथा है आपके पास यात्रा वृतांत, जब कोई लेखक या जब जो भी उस पर्टिकुलर चैप्टर को लिख रहा है, जब वो पर्सन अपनी किसी यात्रा के बारे में आप लोगों को लिखता है कि एक बार मैं नेपाल गया था, वहाँ पर ऐसे ऐसे जो है मेरे एक्सपीरियंसेस रहे, वहाँ पर ये चीज़ें हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसा खाना है, ऐसे रीति रिवाज हैं। तो जब कोई अपनी यात्रा डिस्क्राइब करता है उसे यात्रा वृतांत बोलते हैं। जैसे आप लोगों को क्षितिज में चैप्टर है लहासा की ओर, वो एक यात्रा वृतांत है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करें तो यह एक एकांकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी एकांकी का मुख्य पात्र कौन है? तो इसमें बहुत सारे करेक्टर्स हैं, रामस्वरूप हैं, गोपाल प्रसाद हैं, उमा है, शंकर हैं, उमा की माता जी हैं, तथा रतन है जो कि उनके घर का नौकर है। तो अगर हम बात करें मुख्य पात्र, तो उस चैप्टर की मुख्य पात्र उमा है। मुख्य पात्र से इनका मतलब ये नहीं है कि जो ज़्यादातर चैप्टर में आप लोगों को जो लोग दिखे हैं वो मुख्य पात्र नहीं होता। अगर हम इस प्रकार से बात करें तो रामस्वरूप, गोपाल प्रसाद और शंकर, ये तीनों चैप्टर के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपके चैप्टर में साथ रहते हैं, लेकिन इनका जो रोल है वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं है। वो जो रीडर्स हैं, जो हम लोग हैं जो पढ़ते हैं उस चैप्टर को, उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता। लेकिन उमा का जो करेक्टर है वो सेकंड हाफ में आता है, लेकिन अपनी बातचीत और अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपनी बात रखने के तरीके के कारण उमा का जो करेक्टर है वो सोसाइटी के ऊपर या रीडर्स के ऊपर एक इम्पैक्ट डालता है। तो हर चैप्टर में मुख्य पात्र वो होता है जो किसी ना किसी तरीके से प्रभाव डालता है पढ़ने वालों के ऊपर। सो इस चैप्टर की मुख्य पात्र उमा है। फिफ्थ है, झुकी कमर लेखक ने किसकी खासियत बताई है? तो इसका आंसर है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि इसमें 5 से 6 करेक्टर्स हैं, तो झुकी हुई जो कमर है वो शंकर की बताई है। सिक्स क्वेश्चन है, रामस्वरूप किस लिए इतनी हड़बड़ी में दिख रहे हैं? तो उत्तर है, बिटिया को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। तो जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है आप लोगों को दिखाया जाता है कि
कैसे वो किसी न किसी तरीके की तैयारियों में लगे हुए हैं रामस्वरूप, उनकी पत्नी तथा उनका नौकर, क्योंकि उनकी बेटी उमा को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उमा ने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है? तो उमा ने बीए तक शिक्षा प्राप्त की है, जो कि उस ज़माने में काफ़ी बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय लड़कियाँ इतना पढ़ा लिखा नहीं करती थी। 8th क्वेश्चन है, गोपाल प्रसाद के हिसाब से लड़की का क्या होना निहायत ज़रूरी है? अब गोपाल प्रसाद हैं शंकर के पिताजी, जो कि शंकर है हमारा लड़का जो कि देखने आया उमा को, तो उसके पिताजी हैं गोपाल प्रसाद। अब उनके हिसाब से जो वो लड़की देखने आया है, तो वो कैसी होनी चाहिए? क्या वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए? क्या उसे घर के काम आने चाहिए? नहीं, वो इन दोनों चीज़ों को कंसीडर नहीं कर रहे थे। उनके हिसाब से लड़की जो है खूबसूरत होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे समाज को आज कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है? तो जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा कि उमा इस चैप्टर की मुख्य पात्र हैं, तो हमें कैसे व्यक्तित्व, कैसे चरित्र की ज़रूरत है उमा जैसे। आगे हम पढ़ेंगे कि उमा में ऐसी क्या क्वालिटीज़ थी जिसके कारण उसे इस चैप्टर का मुख्य पात्र कहा गया है, या फिर क्यों ऐसा कहा गया कि हमें भी उमा जैसा चरित्र अपनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते हैं? सो यहाँ पे आप लोगों के पास 4 ऑप्शन हैं। क्या वे विवाह को बिजनेस मानते हैं, दो आत्माओं का मिलन मानते हैं, पारिवारिक संबंध मानते हैं, ईश्वर की बनाई रीति मानते हैं? तो ऐसा वो कुछ नहीं मानते थे, वो ऑफकोर्स एक शादी को एक बिजनेस मानते हैं। वो लड़की के गुण नहीं देख रहे थे, वो देख रहे थे कि कैसे इस लड़की से शादी करके हमें लाभ होगा, इसके पिता की कैसी हैसियत है, या ये कम पढ़ी लिखी है तो ये हमारे घर में आएगी तो ये जो सारे काम है बिना नाज नखरे के करेगी, तो किस प्रकार से यह विवाह हमारे लिए लाभदायक होगा, वो ये चीज़ें कंसीडर कर रहे थे। इसीलिए उनके हिसाब से जो एक विवाह है वो एक बिजनेस से कम नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं? उमा इस कथन से किस ओर संकेत करती है? अब आप लोगों को पता है कि उमा यह कथन शंकर के लिए यूज़ करती है, लेकिन किस चीज़ को पॉइंट आउट करती है? तो क्या वह शंकर की किसी बीमारी की ओर पॉइंट आउट करती है? दूसरा ऑप्शन आपके पास शंकर की चरित्रहीनता की ओर, तीसरा है शंकर की किसी कमज़ोरी की ओर, या शंकर के परिवार की ओर? तो ऑफकोर्स द आंसर इज शंकर की चरित्रहीनता की ओर। तो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है, आप लोगों को पता है कि किस तरीके का करेक्टर था शंकर का, कैसे उसे लड़कियों के हॉस्टल से निकाल दिया गया था, कैसे वह लड़कियों के हॉस्टल के चक्कर मारा करता था, तो किस प्रकार वह चरित्रहीन था, उस चीज़ की ओर पॉइंट आउट करते हुए वह कहती है कि आप अपने बेटे से पूछिए कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। सो द 12th क्वेश्चन इज़, उमा किस प्रकार की लड़की थी? अगर हम एक शॉर्ट से आंसर की बात करें तो वह सुशील थी, स्वाभिमानी थी और स्पष्टवादी थी। 13th क्वेश्चन है, रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा के अनुसार लड़की किस लिए अधिक सर चढ़ गई थी? अब जैसे ही नाटक स्टार्ट होता है, वो लोग तैयारियों में लगे होते हैं, तो उमा की माँ उमा के पिताजी से कहती है कि वह मुंह फुलाए हुए बैठी हुई है, तो वो ऐसा क्यों कहती हैं? तो उत्तर है अत्यधिक शिक्षा प्राप्त करने के कारण। उमा की माता का भी ऐसा ही सोचना था कि क्योंकि लड़की ज़्यादा पढ़ लिख गई है तो वह खुद को कुछ समझने लग गई है, इसलिए वह सर चढ़ गई है। सो फ्रॉम हियर विल डू द शॉर्ट क्वेश्चंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिनकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी एमसीक्यू से थोड़ी सी लेंदी है। सो आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़, उमा को देखने कौन कौन आया था? तो उमा को देखने लड़के वाले आए थे, लड़के शंकर के साथ उसके पिता गोपाल प्रसाद आए थे। सेकंड क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी पार्ट में उमा किस बात को दृढ़तापूर्वक उठाती है? दृढ़तापूर्वक मतलब बिना किसी से डरे कि हाँ भाई अपने लिए स्टैंड लेना, दैट इज़ दृढ़तापूर्वक। तो वो कौन सी बात को जो है दृढ़तापूर्वक सबके सामने रखती है बिना किसी से डरे हुए? एकांकी में उमा के व्यक्तित्व को ही सर्वोकृत दिखाया गया है। सर्वोकृत का मतलब मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर इन द सेंस कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग करेक्टर है इस पर्टिकुलर एकांकी का, वह नारी को उचित सम्मान ना दिए जाने की बात को दृढ़तापूर्वक उठाती है। चलो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मान लो किसी लड़की को देखने आए हैं तो वह काफ़ी डरी सहमी सी रहती है, चुपचाप बैठी रहती है, जो उसे पूछा जाए उतना ही बात करती है, ज़्यादा नहीं बोलती क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसी होती है। लेकिन उसके विपरीत उमा क्या है, जैसे ही वो नोटिस करती है कि गोपाल प्रसाद लड़कियों की पढ़ाई के ऊपर काफ़ी टीका टिप्पणी कर रहे हैं, वो उससे इस प्रकार सवाल पूछ रहे हैं जैसे वे कोई सामान खरीदने आए हों, समझ रहे हो आप लोग कि
वे शादी के लिए नहीं चूज़ कर रहे उसे, वे उसे इस प्रकार के सवाल पूछते हैं, तुम गाकर दिखाओ, तुम्हें चश्मा लगा हुआ है, कहीं तुमने ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं की हुई। तो इस प्रकार की वो नाप तोल वाली चीज़ें करते हैं जिससे कि उमा जो है काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और वो उन लोगों को बोल देती है कि आप मुझसे क्या इतने सवाल पूछ रहे हैं, आप ज़रा अपने बेटे से पूछिए कि कैसे वो गर्ल्स हॉस्टल के चक्कर लगाया करते थे और कैसे उन्हें वहाँ से निकाला गया, इनसे पूछिए कि इनकी रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, इनका खुद का चरित्र कैसा है जो कि आप किसी दूसरे की लड़की में इतनी ज़्यादा कमियाँ निकाल रहे हैं। तो नॉर्मल सिचुएशन के बिल्कुल विपरीत वो काफ़ी दृढ़तापूर्वक अपनी बात को रखती है। थर्ड क्वेश्चन है, किसके स्वागत में उमा के घर में इतनी तैयारियाँ चल रही थी और क्यों? सो द आंसर इज़, उमा को विवाह के उद्देश्य से लड़का और उसके पिताजी देखने आने वाले थे। यही कारण था कि उमा के माता पिता घर की साफ सफाई तथा रखरखाव में लगे हुए थे। वे उनकी आव भगत मतलब मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रखना चाहते थे, इसलिए साफ सफाई के साथ साथ अनेक प्रकार के व्यंजनों का प्रबंध भी किया गया था। तो यह बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाला है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए, यह कथन किसका है? इससे उसके चरित्र की किस विशेषता का पता चलता है? अब आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है, आप लोगों को पता है कि ये लाइन काफ़ी मेन है, तो यह कथन किसने कहा था, उसने यह कथन किस संदर्भ में या किस चीज़ से रिलेटेड कहा था, या वो लोग किस चीज़ की बातचीत कर रहे थे जब उनके मुँह से यह कथन निकला था, तो इस कथन से आप लोगों को उसके चरित्र की किस विशेषता का पता चलता है? यह कथन बाबू गोपाल प्रसाद का है। तो पहली ही लाइन में हमने बता दिया कि ये जो कथन है ये गोपाल प्रसाद ने बोला था। वह विवाह को एक बिजनेस मानते हैं। अब उनके लिए विवाह कोई रीति रिवाज या दो आत्माओं का मिलन या ऐसी कोई चीज़ नहीं है, उनके लिए विवाह एक बिजनेस है। उनकी दृष्टि में व्यवहार एक व्यापार है। वह उमा से भी इस प्रकार व्यवहार करते हैं जैसे वह अपने लड़के के लिए बहू नहीं अपितु घर के लिए कोई जानवर खरीद रहे हों, कि कैसे कोई सामान या कोई जानवर कैसे तुम्हारे लिए लाभदायक होगा फ्यूचर में जाके, या उसको लाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो इस तरीके से वो तोल मोल कर रहे थे, लाभ और हानि देख रहे थे कि अगर हम उमा से शादी करवाते हैं अपने बेटे की तो किस तरीके से फ्यूचर में हमें इसका बेनिफिट होगा या क्या क्या हानियाँ हमें हो सकती हैं। गोपाल प्रसाद बिजनेस के समान ही विवाह में भी लेन देन की बात अवश्य करते, किंतु उमा द्वारा फटकारने पर उन्हें वहाँ से उठने के लिए विवश होना पड़ता है। अब हमने बता दिया कि कैसे कैसा उनका करैक्टर है, कि वो विवाह को एक बिजनेस मानते हैं, अब वो दहेज की और लेन देन की बातचीत भी अवश्य करते, किंतु एंड में उमा जो है उन्हें सच्चाई से रूबरू करवा देती है कि आप मुझसे क्या इतने सवाल पूछ रहे हैं, आप ज़रा अपने बेटे के बारे में पूछिए, उनसे पूछिए उनकी रीढ़ की हड्डी है या नहीं, उनसे पूछिए कि वो कैसे हॉस्टल से निकाले गए, उनका खुद का चरित्र कैसा है, मेरे बारे में कुछ क्वेश्चन करने से पहले। वह निश्चित रूप से अपने लड़के के लिए दहेज की मांग भी करते। तो ऑफकोर्स आज के टाइम में भी ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनके लिए जो विवाह है वो एक बिजनेस ही है, कि वो लड़की कैसी है, सुशील है या नहीं है, पढ़ी लिखी है या नहीं है, घर को बांध के रखेगी कि नहीं रखेगी, ये चीज़ें देखने की बजाय वो ये चीज़ें देखते हैं कि लड़की दहेज में पैसा कितना लाएगी, उसके पेरेंट्स कितना दहेज देंगे, कितना वो हमारे लड़के को कैश देंगे। तो काफ़ी लोग जो हैं आज के टाइम में भी ऐसी सोच रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतन कौन है? उत्तर है, रतन रामस्वरूप का नौकर है। वह बार बार गलतियाँ करता रहता है और मालिक की डांट फटकार सुनता रहता है। वह भुलक्कड़ प्रवृत्ति का है, मतलब वो भूल जाता है बार बार चीज़ें, वह कभी कुछ तो कभी कुछ भूलता ही रहता है। रामस्वरूप बाबू उसे उल्लू, कमबख्त और अन्य कई प्रकार की गालियां देकर फटकारते रहते हैं। इनिशियली ही रतन का करैक्टर जो आपको नाटक में दिखाई देता है, जैसे ही जो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है तो वहाँ पर आपको रतन का करैक्टर दिखाई देता है, तो वहीं से हमें थोड़ी बहुत उनकी जो करैक्टर क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में पता चलता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, एकांकी के आधार पर गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। अब इसमें दो तीन मेन करेक्टर्स हैं, तो मैंने ट्राई किया कि मैं सबकी चारित्रिक विशेषताएं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकता है, कि चाहे वो उमा की पूछें, चाहे वो शंकर की पूछें या गोपाल प्रसाद की, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उन लोगों के करेक्टर्स कैसे थे। आंसर है, गोपाल प्रसाद पेशे से वकील हैं और बहुत कठोर व्यक्ति हैं।
थ्रू आउट द चैप्टर उन्होंने कभी भी, मतलब हम कह सकते हैं ना कि आराम से नरम दिल होकर बात नहीं की, वो काफ़ी कठोर बातें ही कर रहे हैं। वे शिक्षा के प्रति दोहरे मापदंड रखते हैं, मीन्स डबल स्टैंडर्ड्स। वो चीज़ आपके लिए सही है पर सेम चीज़ सामने वाले के लिए सही नहीं है। वे पुरुष की शिक्षा के समर्थक तो हैं परंतु लड़कियों की शिक्षा के नहीं हैं। तो उनके हिसाब से लड़कों को पढ़ाना सही है, जो कि वो अपने लड़के को पढ़ा भी रहे हैं, किंतु लड़कियों की शिक्षा ठीक नहीं है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वे रूढ़िवादी विचारों के पक्षधर हैं अथवा उनके लिए समाज में स्त्रियों के लिए कोई स्थान नहीं है। अब लड़का लड़की की पढ़ाई में जब वो भेदभाव करते हैं तो हमें पता चलता है कि वे काफ़ी रूढ़िवादी हैं। रूढ़िवादी मतलब पुरानी सोच रखते हैं, क्योंकि उनके लिए लड़कियों का पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, उनका आगे बढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। वे लड़कियों की गरिमापूर्ण स्थिति नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि लड़कियां सिर उठाकर लड़कों के कंधे से कंधा मिलाकर चले। वे चाहते हैं कि वे घर में रहें और सिर्फ बिना किसी नाज नखरे से घर के काम करती रहें। वे विवाह को एक बिजनेस मानते हैं। वे अपने लड़के की शादी अच्छी हैसियत वाले व्यक्ति की कम पढ़ी लिखी लड़की से करना चाहते हैं। अब ये उनकी कंडीशन है कि हैसियत तो लड़की के बाप की बहुत ऊँची हो ताकि वो अच्छा दहेज दे, लेकिन उनकी लड़की पढ़ी लिखी ना हो, क्योंकि उनका मानना है कि यदि लड़की कम पढ़ी लिखी होगी तो वह बिना किसी नाज नखरे के घर के कामों में लगी रहेगी। दिस इज़ द मेन पॉइंट। उनके हिसाब से अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी तो वो सिर उठाएगी, तो क्योंकि उसे अपने राइट्स के बारे में पता होगा। अगर ससुराल वाले कोई गलती करेंगे तो वो आवाज़ उठाएगी। अगर वो पढ़ी लिखी होगी तो वो नौकरी करना चाहेगी। अगर वो पैसे कमाएगी तो वो किसी की बात नहीं सुनेगी, क्योंकि कोई उसका खर्चा नहीं उठा रहा। तो यही वो कहती है कि अगर लड़की कम पढ़ी लिखी होगी तो वो चुपचाप घर में बिना किसी नाज और नखरे के घर के कामों में लगी रहेगी। सो इससे हमें पता चलता है कि कितनी पुरानी और रूढ़िवादी सोच रखते थे वो। तो ये सारी उनकी चारित्रिक विशेषताएं हमने इस क्वेश्चन में बता दी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आओ बच्चों, सिक्स क्वेश्चन है, एकांकी के आधार पर शंकर के चरित्र पर प्रकाश डालिए। शंकर में स्वाभिमान की बहुत सख्त कमी थी। स्वाभिमान मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस। वह इस बात पर आश्वस्त नहीं था कि उसकी पढ़ाई, उसका कोर्स कब पूरा होगा। आज के आधुनिक ज़माने में पैदा होकर भी वह अपने पिता की तरह रूढ़िवादी सोच रखता था, क्योंकि वह भी कम पढ़ी लिखी लड़की से शादी करने के सहयोग में था। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जब वो लोग लड़की देखने जाते हैं, सबसे पहली बात तो जब रामस्वरूप शंकर से क्वेश्चंस पूछते हैं कि हाँ बेटा आप क्या कर रहे हो, कौन से साल में हो, तो इन सब बातों के जवाब वह कम देता है, उसके पिताजी ज़्यादा देते हैं। दैट मीन्स उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। उसे खुद ही नहीं पता कि वो कौन से साल में पढ़ रहा है, उसका कोर्स कब पूरा होगा। दैट मीन्स उसके पिताजी उसके बिहाफ पर आंसर्स कर रहे हैं, रैदर कि वो खुद कर रहा है, वो सिर्फ अपनी गर्दन झुका के नीचे होके बैठा हुआ है। दूसरा, जब उसके पिताजी उमा से अलग अलग तरीके के रूढ़िवादी सवाल करते हैं कि इसको चश्मा क्यों लगा हुआ है, लगता है ये ज़्यादा पढ़ी लिखी है, या फिर हम दूसरा, जब वो लड़कियों की पढ़ाई के लिए अपनी तरह तरह की टिप्पणी देते हैं कि लड़कियों को पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, उन्हें सुंदर होना चाहिए, तो इंस्टेड कि वो आज के ज़माने में पैदा हुआ है, उसकी मॉडर्न सोच होनी चाहिए कि नहीं लड़का लड़की बराबर है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसकी भी अपने पिताजी वाली ही सोच है। तो जब उसके पिताजी इन सब चीज़ों पर टिप्पणी कर रहे होते हैं तो वो उन्हें रोकता नहीं बिल्कुल भी कि नहीं पिताजी आप गलत बोल रहे हैं कि लड़कियां पढ़ी लिखी होनी चाहिए, तभी समाज का सुधार होगा। क्योंकि अगर एक औरत पढ़ी लिखी होती है तो सारा समाज पढ़ लिख जाता है। नहीं, तो वो बिल्कुल सिमिलर सोच रखता था अपने पिता की, इसलिए वह भी कम पढ़ी लिखी लड़की से ही शादी करना चाहता था। जब गोपाल प्रसाद लड़कियों की शिक्षा पर तरह तरह की टिप्पणी दे रहे थे, उस समय वह भी गर्दन झुकाकर सब चुपचाप सुन रहा था, जिससे ये साफ स्पष्ट होता है कि वह भी लड़कियों की गरिमापूर्ण स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। तो मैं आप लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आधुनिक काल में पैदा होने के बाद भी उसका ब्रॉड माइंड नहीं था, उसकी मॉडर्न सोच नहीं थी, उसके अपने पिता वाली सोच ही थी कि लड़कियों को कम पढ़े लिखे होना चाहिए और उन्हें घर के काम करने चाहिए। इसके अतिरिक्त उमा द्वारा बताए गए वृतांत के हिसाब से उसे लड़कियों के हॉस्टल से निकाले जाने की घटना भी उसकी चरित्रहीनता की ओर संकेत करती है। तो जैसा कि उमा
प्रकाश डालती हैं शंकर के करेक्टर के ऊपर कि ये तो कई बार लड़कियों के हॉस्टल के चक्कर काटते हुए दिखाई दिए हैं और एक बार तो वहाँ से धक्के मार कर भी निकाले जा चुके हैं। तो ये जो इंसिडेंट है, ये बातें कहीं ना कहीं उसकी चरित्रहीनता की ओर ही संकेत करती हैं। तो अब हम गोपाल प्रसाद और शंकर का करेक्टर स्केच या उनके चरित्रिक विशेषताएँ पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीढ़ की हड्डी एकांकी के नारी पात्र उमा के चरित्र की विशेषताएं बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, क्योंकि शी इज़ द सेंट्रल करेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। ये वो करेक्टर है जो कहीं ना कहीं रीडर्स के ऊपर प्रभाव डालता है कि कैसे इंसान की सोच होनी चाहिए, कैसा उसका स्वभाव होना चाहिए, कितना उसे दृढ़तापूर्वक अपनी बात रखनी चाहिए, कितना स्वाभिमान होना चाहिए उसमें, डरना नहीं चाहिए, अपनी बात को खुलकर रखना चाहिए, जो चीज़ें सबकी नज़रों में हाईलाइट होनी चाहिए वो बतानी चाहिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकांकी रीढ़ की हड्डी में उमा का पात्र दूसरे पात्रों की तुलना में चारित्रिक रूप से काफ़ी आकर्षित करता है, क्योंकि उनकी जो चारित्रिक विशेषताएं हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो काफ़ी रीडर्स के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। उमा बी ए पास सुशिक्षित लड़की है, मतलब पढ़ी लिखी है वो, उस ज़माने के हिसाब से बी ए पास होना काफ़ी बड़ी बात थी। जो चरित्रवान, साहसी तथा अपनी बात को दृढ़तापूर्वक कहने वाली है, ये चीज़ें मैं आपको काफ़ी बार पहले भी बता चुकी हूँ। यूजुअली उस टाइम में क्या होता था कि जब लड़की को देखने आ रहे हैं तो वो घर का सीन या घर का माहौल ऐसा होता था कि लड़की को चुपचाप बैठे रहना है, चाहे कि ट्रे लेके आनी है, चुपचाप बैठे रहना है, गर्दन नीचे झुकाकर जो उससे पूछा जाए उसे जवाब देने और फिर चुप करके अंदर चले जाना है। बट ऐसी नहीं थी। जब गोपाल प्रसाद लड़कियों की शिक्षा के ऊपर काफ़ी तरीके की टिप्पणी करते हैं तो वो चुप नहीं बैठती, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी, वो अपने राइट्स के लिए अवेयर थी, तो वो दृढ़तापूर्वक अपनी बात कहने वाली कि आप लड़कियों की पढ़ाई के ऊपर इतनी टीका टिप्पणी क्यों कर रहे हैं, आप ज़रा अपने लड़के से पूछिए कि वो कॉलेज में क्या करते हैं। जिसके ऊपर गोपाल प्रसाद भड़क जाते हैं कि इसे कैसे पता कि ये कॉलेज में क्या करता है, क्या तुम भी कॉलेज गई हो, तो वो पूरे साहस से कहते कि हाँ मैंने भी यहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है। तो दैट मीन्स उस समय का होके भी उमा काफ़ी ज़्यादा साहसी थी, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स से डरी नहीं, वो इस बात से नहीं डरी कि मेरा रिश्ता नहीं होगा तो लोग चार बातें बनाएंगे, नहीं, उस समय उसे यही सही लगा कि मुझे गोपाल प्रसाद को शंकर की सच्चाई, असलियत सामने लानी चाहिए कि आप लड़कियों की शिक्षा के ऊपर इतनी टिप्पणी दे रहे हैं, ज़रा आप अपने सुपुत्र के काम भी देख लीजिए। तो उस समय उसे वही ज़्यादा ज़रूरी लगा। पाठ में यह स्पष्ट नज़र आता है कि वह कितनी निडरता से शंकर का चरित्र सभी के सामने व्यक्त कर देती है। वह अपनी तथा समाज में नारियों की सम्मानजनक स्थिति के लिए चिंतित दिखती है। इन्हीं कारणों के कारण एकांकी के कम अंश में उपस्थित रहने पर भी वह मुख्य पात्र है। सो दिस इज़ द रीज़न, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों उमा को एक मुख्य पात्र कहा गया है, तो उसमें भी आप लोगों को चारित्रिक विशेषताएँ ही बतानी हैं, क्योंकि उमा का करेक्टर अपनी विशेषताओं के कारण रीडर्स के ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस डालता है, काफ़ी प्रभाव डालता है, इसलिए वह सबसे स्ट्रॉन्ग करेक्टर है और ये सब उसकी चारित्रिक विशेषताएं हैं। इस एकांकी का क्या उद्देश्य है लिखिए। रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य है समाज के लोगों की दोहरी मानसिकता सबके सामने लाना। दोहरी मानसिकता का अर्थ है डबल स्टैंडर्ड होना, दैट मीन्स कोई चीज़ सामने वाले के लिए गलत है लेकिन अगर तुम वो चीज़ें कर रहे हो तो तुम्हारे लिए वो सही हैं। दोहरी सोच रखना कि वही पढ़ाई लड़कों के लिए तो ठीक है पर लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। तो पहली जो उद्देश्य है वो यही देती है कि कैसे लोगों की दोहरी मानसिकता को सामने लाया जाए, लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्याओं की ओर समाज का ध्यान खींचना। सो दूसरा उद्देश्य है कि किस प्रकार की कठिनाइयाँ एक लड़की को या उसके माता पिता को फेस करनी पड़ती हैं उसकी शादी करवाने के लिए, तथा युवाओं द्वारा अपनी शिक्षा और चरित्र की मजबूती का ध्यान रखना। अब जैसे कि शंकर का करेक्टर बताया गया कि वो चरित्रहीन था, वो पढ़ाई लिखाई में नहीं था, उसका ध्यान गर्ल्स हॉस्टल के चक्कर मारने में था, तो किस तरीके से युवाओं की क्या सोच होनी चाहिए, किस तरीके से उन्हें अपना चरित्र मजबूत रखना चाहिए उमा की तरह है, तो यही बेसिक उद्देश्य है इस पर्टिकुलर एकांकी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी रीढ़ की हड्डी में उमा शंकर को बिना रीढ़ की हड्डी वाला व्यक्ति कहकर संबोधित क्यों करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
यहाँ रीढ़ की हड्डी से उमा का तात्पर्य व्यक्तित्व एवं चरित्र से है। रीढ़ की हड्डी मतलब उसके शारीरिक रीढ़ की हड्डी से मतलब नहीं है, यहाँ पे रीढ़ की हड्डी का मतलब है व्यक्तित्व, उसका करैक्टर कैसा है, उसका चरित्र कैसा है। एकांकी में ऐसे कई दृश्य हैं जिसे यह साफ स्पष्ट हुआ है कि शंकर का स्वयं कोई व्यक्तित्व एवं चरित्र नहीं है, उसकी अपनी कोई सोच व विचार नहीं है, वह केवल अपने पिता के इशारों पर चलता है, जिसके कारण आज के ज़माने का होने पर भी वह भी अपने पिता की तरह रूढ़िवादी सोच ही रखता है, जिसके अनुसार लड़कियों का कम पढ़े लिखे होना ही उचित है, क्योंकि यदि वे कम पढ़ी लिखी होंगी तो वे बिना किसी नाज नखरे के घर के कामों में लगी रहेंगी। यही कारण था कि उमा शंकर को बिना रीढ़ की हड्डी वाला व्यक्ति कहकर संबोधित करती है। रीढ़ की हड्डी होना मतलब एक पर्सन की अपनी पर्सनैलिटी होना, अपना करेक्टर होना, एक ऐसा पर्सन जो अपनी बातचीत रख सके, उससे कोई सवाल पूछे जाए तो उसे उन चीज़ों का पता हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी क्या वैल्यूज़ हैं, मेरे क्या बिलीव्स हैं, मेरी क्या सोच है। लेकिन शंकर का जो करेक्टर है वो इस तरीके से दिखाया गया जिसकी अपनी कोई सोच व विचार नहीं है। तो जब शंकर अपने पिता के साथ उमा को देखने के लिए जैसे कि भी जाते हैं, जैसे कि दिखाया गया चैप्टर में, तो उमा के पिताजी जो कुछ भी सवाल पूछते हैं ना तो वह उनके ढंग से जवाब दे पाता, क्योंकि वो खुद ही क्लियर नहीं है, वो अपने गोल्स की तरफ, वो ज़िंदगी में क्या कर रहा है, क्या पढ़ाई कर रहा है, उसका कोई फाउंडेशन या उसका कोई स्टैंड ही नहीं है। दूसरा, उसकी अपनी कोई सोच नहीं, जिस प्रकार उसका फादर उसे इन्फ्लुएंस करता है, जो उसके फादर की सोच है वही उसकी सोच है। तो आधुनिक काल में पैदा होने के बाद भी उसको भी यही लगता है कि लड़की कम पढ़ी लिखी होनी चाहिए जिससे भी वो शादी करेगा। सो दीज आर द थिंग्स, ये सभी चीज़ें हैं जिनसे हमें पता चलता है कि उसकी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं थी। दैट मीन्स उसका अपना कोई करैक्टर, अपनी कोई वैल्यूज़, कोई बिलीव्स, कोई इंडिविजुअलिटी या कोई अपनी सोच नहीं थी। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एकांकी रीढ़ की हड्डी पाठ के आधार पर राम स्वरूप एवं गोपाल प्रसाद में से आप किसे ज़्यादा दोषी मानते हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं, जिस प्रकार व्यक्ति व्यापार के समय सभी निर्णय लाभ और हानि को ध्यान में रखते हुए नाप तोल कर लेता है, ठीक उसी प्रकार वे भी अपनी लड़की की शादी अच्छी हैसियत वाले व्यक्ति की कम पढ़ी लिखी लड़की से करना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यदि लड़की कम पढ़ी लिखी होगी तो बिना किसी नाज नखरे के घर के कामों में लगी रहेगी। तो शादी उनके लिए एक बिजनेस है, वो जिस लड़की से उसकी शादी कराना चाहते हैं वो ये तो चाहते हैं कि वो बड़े घर की लड़की हो, अच्छी हैसियत वाले हों, बट वो चाहते हैं वो कम पढ़ी लिखी हो ताकि वो बिना किसी नाज नखरे के घर के कामों में लगी रहे। इस प्रकार वे नारी को सम्मान नहीं देना चाहते क्योंकि उनकी दोहरी मानसिकता है, उनकी लड़कों की पढ़ाई के लिए अलग सोच है और लड़कियों की पढ़ाई के लिए अलग सोच है, अतः वे अपराधी हैं। इस प्रकार वे नारी को सम्मान नहीं देना चाहते अतः वे अपराधी हैं। दूसरी तरफ रामस्वरूप स्त्री की शिक्षा के समर्थक हैं, ठीक है। अब दूसरी तरफ जो दूसरा करेक्टर है रामस्वरूप यानी कि उमा के पिताजी, वो नारी शिक्षा के फेवर में है, तभी उन्होंने अपनी बेटी को बीए तक पढ़ाया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मजबूर हैं। अब मजबूर क्यों हैं, परंतु अपनी पुत्री की उच्च शिक्षा छिपाने का कारण यह है कि अधिक पढ़ी लिखी होने के कारण उसके विवाह में कठिनाई आ रही है, क्योंकि यह पुरुष प्रधान समाज नारी की गरिमापूर्ण स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा, जिसके कारण राम स्वरूप एक पिता होने के नाते विवश होकर ऐसा कदम उठाते हैं। इस कारण गोपाल प्रसाद की तुलना में उनका अपराध हल्का है। अब उस समय ज़्यादा पढ़ी लिखी होने के कारण भी लड़कियों की शादी कहीं ना कहीं नहीं होती थी, तो वो लड़कियों को सपोर्ट तो कर रहे हैं, उनकी शिक्षा के फेवर में है, तभी उस ज़माने का होने पर भी उन्होंने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा प्राप्त करवाई है, लेकिन क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रही तो वो विवश हैं, इसलिए वे उसकी पढ़ाई को छुपाते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हमारे लिए उनका दोष थोड़ा कम है। सो लास्टली आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अपने एक्सपीरियंसेस, आप लोगों को चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कितने बेनिफिशियल लगे ये ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये चैप्टर पे वीडियो भी मैंने इसीलिए ही बनाया था क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने इस चीज़ की डिमांड की थी। सो अगेन, अगर आप लोगों को किसी स्पेसिफिक चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें कि मुझे इस चैप्टर के क्वेश्चंस चाहिए, एंड आई विल कम अप विद द वीडियो ऑन दैट।
एंड ऑफ कोर्स ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना सो दैट उन लोगों के भी ये चैप्टर कहीं ना कहीं क्लियर हो जाए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं अगर बच्चा वो कर लेता है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छे से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आंसर्स भी आई एम श्योर आप लोगों के टीचर्स ने बहुत अच्छे से लिखवाए होंगे। बट उनको छोड़ के अगर कुछ भी इस चैप्टर में से बचता था तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। सो ये वीडियो देखने के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड आई एम श्योर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो या दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।